नमस्कार, मैं धर्मजोत कौर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। फेड रेट डिसीजन से पहले क्रिप्टो करेंसी ने किया रीबाउंड। यूएस SEC चेयर ने क्रिप्टो रिटर्न को लेकर इन्वेस्टर्स को किया सतर्क। जस्टिन सन ट्रॉन बेस्ड प्रोजेक्ट वर्कफोर्स को बढ़ाएंगे 50%। वर्ड्स विद फ्रेंड्स के को फाउंडर ने Web3 गेम स्टूडियो के लिए जुटाए $46 मिलियन। माइक्रो स्ट्रैटेजी के CEO सेलर ने कही बिटकॉइन लोन पर कोई मार्जिन कॉल नहीं लेने की बात। एथेरियम वेल्स ने कीमतों में गिरावट के बीच हासिल किए $550 मिलियन के FTX टोकन। थ्री एरोस कैपिटल ने डम किए $33 मिलियन के स्टेक्स एथेरियम। आयोवा स्टेट ने ब्लॉकफाइ पर लगाया $900,000 से ज्यादा का जुर्माना। मार्केट क्रैश के कारण एल साल्वाडोर को हुआ बिटकॉइन बेट में $52 मिलियन का नुकसान। लगातार इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बीच यूएस स्टॉक्स की मूव से अलग होकर बुधवार को फेड रिजर्व रेट मीट आउटकम से पहले क्रिप्टो करेंसी में तेजी आई है। S&P 500 ने 2020 के बाद पहली बार बेयर मार्केट में बंद होने के एक दिन बाद अपनी गिरावट जारी रखी। ऐसे में बोर्ड मार्केट इंडेक्स 0.4% नीचे आते हुए दिखा, जबकि नैसडैक कॉम्पोजिट में 0.2% की बढ़त देखने मिली। इन्वेस्टर इस चिंता से घबराए हुए हैं कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए फेड की कोशिश US इकोनॉमी को मंदी में धकेल देगा। फेड की 2-डे मीटिंग के बाद बुधवार को एक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन जारी करने के लिए तैयार है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि फेड 0.75% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज पर विचार करेगा। एक्सचेंज ऑपरेटर CME ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक फ्यूचर्स मार्केट ने इस तरह की रेट में बढ़त की घोषणा की है, 90% से अधिक संभावना में कीमत तय की है। इन सब के बीच बिटकॉइन को हाल ही में पिछले 24 घंटों में 5% की बढ़त के साथ लगभग $22,200 पर ट्रेड करते देखा गया। ईथर उसी समय के दौरान 8% की बढ़त के साथ लगभग $1,200 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि दूसरे मेजर ऑयल कॉइन्स में भी बढ़त दर्ज की गई है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयर गैरी जेंसलर ने कहा है कि इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स को लेकर प्रॉमिस रिटर्न से सावधान रहना चाहिए, जो टू गुड टू बी ट्रू लगते हैं। जेंसलर ने कहा कि लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स बैंक्स की तरह काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो करेंसी को 7% या 4.5% रिटर्न के साथ मांग रहे हैं। उन्होंने आगे लोगों को इसे लेकर आगाह किया है। लंबे समय से सतर्क निगरानी रखने वाले ज्यादा वॉलिटिलिटी के बीच इस हफ्ते फिर से क्रिप्टो मार्केट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चांसलर ने डिजिटल करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए उचित कानून होने की भी बात की है, क्योंकि डिजिटल एसेट्स सिक्योरिटीज की परिभाषाओं को पूरा करते हैं। ट्रॉन के फाउंडर और फॉर्मर CEO जस्टिन सन ने ट्विटर पर कहा है कि क्रिप्टोवर्स में चल रहे जॉब लॉसेस से प्रभावित किसी को भी कई ट्रॉन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। जस्टिन सन ने पूरे ट्रॉन इकोसिस्टम में नौकरी की वैकेंसीज की घोषणा CZ की घोषणा के बाद की है। एक्सचेंज को क्रिप्टो बेयर मार्केट को नेविगेट करने में मदद करने के लिए स्ट्रॉन्ग वॉर चेस्ट के कारण बाइनेंस भी अपने वर्कफोर्स की संख्या में बढ़त करना चाहता है। जस्टिन सन के अनुसार ट्रॉन डाओ, पॉलिनिक्स बिटटॉरेंट, USDD, एप NFT, जस्ट नेटवर्क और sun.io सभी हायरिंग कर रहे हैं और अपने वर्कफोर्स की संख्या में 50% की बढ़त करना चाहते हैं। वर्ड्स विद फ्रेंड्स वीडियो गेम के को फाउंडर पॉल बेटनर के एक इंडिपेंडेंट गेम स्टूडियो प्लेफुल स्टूडियोज ने वाइल्ड कार्ड अलायंस नाम की एक नई Web3 सब्सिडियरी कंपनी लॉन्च की है और क्रिप्टो नेटिव इन्वेस्टमेंट जायंट पैराडाइम के लीड में सीरीज ए फंडिंग में $46 मिलियन जुटाए हैं। वाइल्ड कार्ड अलायंस, जो कि एक सहायक कंपनी का फर्स्ट अपकमिंग गेम है, यह पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर एक हाइब्रिड मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरेना, रियल टाइम स्ट्रेटजी और कलेक्टिबल कार्ड गेम है। ऐसे में गेम को अल्टीमेट स्पेक्टेटर स्पोर्ट के रूप में तैयार किया गया है, जहां कंपेटिटर्स अपने इन गेम फैंस और सपोर्टर्स के साथ सीधे बातचीत और ट्रांजैक्ट कर सकते हैं।
माइक्रोस्ट्रेटजी इंक के सीईओ माइकल सेलर ने इन्वेस्टर्स से बिटकॉइन बैक लोन पर संभावित मार्जिन कॉल के बारे में चिंता न करने का आग्रह किया है। यह वादा करते हुए कि कंपनी के पास जरूरी होने पर गिरवी रखने के लिए बहुत सारे कोलैटरल हैं। सेलर ने आगे कहा है कि जब तक सिल्वरगेट लोन 50% से कम LTV के साथ कोलैटरलाइज्ड है, तब तक कोई मार्जिन कॉल नहीं होगी। मई में सॉफ्टवेयर कंपनी ने दावा किया था कि सिल्वरगेट बैंक यूनिट से $205 मिलियन के लोन पर कॉल शुरू होने से पहले बिटकॉइन की कीमत लगभग $21,000 तक गिरनी होगी, लेकिन यह कोलैटरल पैकेज में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है ताकि यह कभी वहां ना पहुंचे। मंगलवार को $20,800 तक गिरने के बाद बिटकॉइन हाल ही में $22,000 के करीब ट्रेड कर रहा था। BTIG एनालिस्ट मार्क पामर के अनुसार कंपनी को किसी भी मार्जिन कॉल को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोलैटरल के रूप में रखने के लिए 95,000 से ज़्यादा बिटकॉइन है। कंपनी को लोन टू कोलैटरल रेशियो 50% से कम रखना चाहिए और बिटकॉइन में कम से कम $410 मिलियन की कस्टडी अकाउंट में रखनी चाहिए। कई सबसे बड़ी इथेरियम वेल्स ने $550 मिलियन से ज़्यादा के FTX टोकन को क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में गिरावट जारी रहने के बावजूद खरीदा है। वेल स्टैट्स के अनुसार ब्लू वेल 0116 नाम के एक ETH वेल ने $344 मिलियन मूल्य के 15 मिलियन FTX टोकन खरीदे हैं। वहीं ब्लू वेल 0079 नाम के एक दूसरे इथेरियम वॉलेट ने सिंगल ट्रांजैक्शन में $150 मिलियन मूल्य के FTX टोकन खरीदे और ज़्यादातर बेच दिए। ऐसे में सेल के बाद वेल वॉलेट के पास अब सिर्फ $3.8 मिलियन मूल्य के FTT टोकन हैं, जैसे कि आंकड़ों से पता चलता है। वेल की भारी खरीदारी ने FTX टोकन की कीमत को हाल ही में $23.8 तक पहुंचा दिया, जो पिछले 24 घंटों में 1% ऊपर देखा गया। वेंचर कैपिटल फर्म 3 Arrows कैपिटल ने DeFi प्लेटफॉर्म कर्व पर इथेरियम के लिए लगभग $33 मिलियन मूल्य के लीडो स्टेक इथेरियम को स्वैप किए हैं। जैसे जैसे STETH की प्राइसेस सेकेंडरी मार्केट्स में ETH की प्राइसेस से अलग होती हैं, तब यह डिसीजन बढ़ जाता है और इसी तरह से ट्रेडर्स पर DeFi टोकन का इस्तेमाल कोलैटरल के रूप में करने का दबाव होता है। 3 Arrows पिछले हफ्ते से टोकन को डंप करने वाला STETH का दूसरा मेजर होल्डर है। क्रिप्टो ट्रेडर Alameda ने पिछले हफ्ते ETH के लिए अपने सभी होल्डिंग्स के लगभग $1.5 बिलियन के टोकन को स्वैप किया था। ETH से STETH का डाइवर्जन उस ट्रेडन से जुड़ा हो सकता है जो कर्व पर भी हुआ था। ऐसे में ETH की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $1,200 की तुलना में DeFi टोकन हाल के समय में लगभग $1,142 पर ट्रेड हुआ है। क्रिप्टो लीडिंग फर्म BlockFi को एक ब्रोकर डीलर के रूप में रजिस्टर किए बिना सिक्योरिटीज की ऑफरिंग और सेलिंग के लिए एक स्टेट एजेंसी ने एक दूसरे कंसेंट ऑर्डर के साथ सर्व किया गया है। ऐसे में आयोवा के इंश्योरेंस डिवीजन ने फरवरी में पूरे अमेरिका में घोषित सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स के साथ ब्रॉडर सेटलमेंट के हिस्से के रूप में फर्म को $943,396 जुर्माना देने का आदेश दिया है। आयोवा का कंसेंट ऑर्डर SEC और स्टेट सिक्योरिटी रेगुलेटर्स के साथ 53 जुरिसडिक्शंस के साथ एक मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, जो नॉर्थ अमेरिकन सिक्योरिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स एसोसिएशन बनाते हैं। ऐसे में यह इन्वेस्टिगेशन पुष्टि करता है कि SEC के साथ $100 मिलियन के समझौते में BlockFi 53 जुरिसडिक्शंस को $50 मिलियन और SEC को फिर $50 मिलियन के जुर्माने का भुगतान करेगा। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के लिए बने रहिए क्रिप्टो TV के साथ। तब तक के लिए मैं धर्मजोत कौर आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।